नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम बात कर रहे हैं युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जो यात्रा है, जीवन यात्रा, किस तरह से नरेंद्रनाथ दत्त से वो स्वामी विवेकानंद हुए और पूरी दुनिया को, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने अपने वेदांत दर्शन से, अध्यात्म की अपनी नई दृष्टि से उन्होंने गहराई तक प्रभावित किया, इस पर हम बात कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हमारे वही मेहमान हैं जो पिछले एपिसोड में थे, स्वामी शांत आत्मानंद जी जो रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, और जाने माने साहित्यकार नरेंद्र कोहली साहब जिन्होंने एक महा उपन्यास की रचना भी की है विवेकानंद जी के ऊपर। तो हम आज फिर अपने इन दोनों विशिष्ट मेहमानों से बात करेंगे। युवा मेहमान हमारे स्टूडियो में पहले की तरह मौजूद हैं, हमारे युवा साथी जो सवाल करेंगे हमारे इन दोनों इमिनेंट गेस्ट से, जो उनके मन में बात होगी, जो उनके मन में प्रश्न होंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कोहली साहब आपकी तरफ हम आते हैं, फिर हम स्वामी जी की तरफ चलेंगे। विवेकानंद जी की अगर हम बात करें और उनकी भारत को उन्होंने समझने के लिए, एक तरह से कहना चाहिए कि पूरे भारत का भ्रमण किया, एक बड़े हिस्से का भारत का भ्रमण किया, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें, किस तरह से उन्होंने भारत को समझा? वैसे तो सन्यासी को वैसे मानते हैं हम कि 3 दिन से अधिक एक स्थान पर टिकना नहीं चाहिए। उस दृष्टि से भी उनको ये था कि कलकत्ता में जो भी आश्रम आरंभ में छोटा सा बनाया था किराए पे लेके, वहाँ से निकल के परिव्राजक के रूप में वो सारे देश में देश को समझने के लिए वो घूमने के लिए निकल गए। और आप देखें अगर विस्तार से तो एक एक प्रदेश को पार करते हुए वो लगभग पूरे भारत में गए, और जहाँ जहाँ उनके साथी मिले उनसे वो रुष्ट होते थे कि मेरा पीछा छोड़ो, अकेले को भ्रमण करना है ताकि कष्ट भी जो हो उसको भी सहन करे और इस देश को भी समझना है। उसमें कुछ इस तरह की घटनाएं हैं जहां विशेष रूप से उन्होंने, जैसे एक जगह कहते हैं कि वो खेतड़ी के पास किसी वन में 3 दिन 3 रात उनके पास लोग आते रहे, बातें करते रहे, ना स्वामी जी को खाने को दिया ना सोने को दिया। जब वो चले गए और कुछ समय खाली हुआ तो एक वहाँ व्यक्ति जो वन में ही रहता था वो आया और उसने कहा कि ये कैसे भक्त हैं आपके, 3 दिन 3 रात से मैं देख रहा हूँ कि ना कुछ खाने दे रहे हैं ना सोने दे रहे हैं, कैसे भक्त हैं आपके। तो स्वामी जी ने कहा कि तू ही भक्त है, तू खिला। उसने कहा कि जिस जाति का मैं हूँ, मेरे हाथ से आप खाएंगे तो राजा मेरी चमड़ी उधेड़ लेंगे, आप राजा के गुरु हैं, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के गुरु थे। इन्होंने कहा कि अब तो तेरे हाथ से ही खाऊंगा और राजा कुछ नहीं कहेंगे। ये एक कुछ इस तरह की घटनाएं हैं जहाँ के किस निम्नतम जो भी आप जाति मान सकते हैं या कर्म मान सकते हैं, गंदे से गंदा जो स्थान हो सकता है, स्वामी जी सब जगह जा करके उनके बीच में रहे। और हम कह सकते हैं कि 125 साल से पहले भी, उस समय जबकि ये सारी चीज़ें बहुत इस देश में व्याप्त थी, वहाँ भी उन्होंने इन सब के खिलाफ एक अपने तरीके से एक जागृति पैदा की। सबसे सही बात उनकी ये थी कि इस देश की जो कमी है, जो जिस समय कन्याकुमारी में उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ उन्होंने बतलाया, वो यही था कि दो बातें, एक ये कि जगदम्बा और भारत माता में अंतर नहीं है, भारत माता की पूजा जगदम्बा की पूजा है और भारत माता की पूजा भारत माता की संतान की पूजा है। आपने काफी पढ़ा, हम स्वामी जी से भी एक क्विक इनका रिएक्शन ले लेते हैं। जिस तरह से नरेंद्र जी ने कहा कि एक बहुत एक उनके भीतर का जो उनका स्वभाव, उनका चरित्र था कि जाति पाति ये सारी चीजें, इनके खिलाफ भी उन्होंने एक, आप इसमें क्या ऐड करेंगे जो उनकी भारत को समझने की एक यात्रा थी? See, he was a born revolutionary, you can say. Everything he did it to such extraordinary levels. Itni bade ek tarika se karte the. So in his understanding, in his search for truth, trying to understand the country, sare Bharat ke samajhna, sabko tik tik pehchanna, in that search, he went through the length and breadth of the country. Ant mein wo Kanyakumari mein pahunch gaye. So there, us samay wo dekha samudra ki wo kinare se, ek dur, ek, there was a big rock. Wahan jaane ke paise bhi nahi tha. He simply jumped into that shark infested waters. वहाँ सातार से मध्य में वही after swimming he reached that rock. वही 3 दिन 3 रात वो हमें ध्यान में बैठे थे. Actually what happened वहाँ क्या हुआ किसी को ठीक से नहीं पता चला, but लेकिन he had an extraordinary experience there. उसमें उनको पता चला ये उनका क्या करना है, how he should proceed further जीवन में, फिर क्या उनके करना क्या है, how he was to do, what he would do for India, how he would awaken her, बहुत कुछ उनके समझ में आया। उसी से उन्होंने after that only he virtually decided, वो शिकागो में जो धर्म महासम्मेलन होने वाला था, he would go there, he would participate,
देन ओनली ही टुक द डिसीजन. लेकिन इसके पहले कन्याकुमारी में सचमुच उनको संदेश मिला, देयर ही न्यू अबाउट इंडियाज पास्ट प्रेजेंट डिकेडेंस फ्यूचर ग्लोरी, उसमें क्या उनकी क्या भूमिका है, भारत के लिए वो क्या करना है, एवरीथिंग बिकेम क्लियर टू हिम. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है. कोहली साहब, हम आते हैं, विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी की उस चट्टान पर बैठकर तीन जो उन्होंने ध्यान किया, क्या ध्यान में हम कहें इसके साथ ही जुड़ती है उनकी विदेश यात्रा, शिकागो यात्रा, धर्म संसद का आयोजन, पूरी दुनिया के जहां कहना चाहिए धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता सारे लोग आए हुए हैं, उसमें एक भारत का युवा सन्यासी, क्या आप देखते हैं, क्या सोच के गए होंगे वो धर्म संसद कि उनको जगह जगह ये अलग अलग नगरों में ये कहा गया कि यहाँ बैठा क्या कर रहा है, वहाँ जा. लेकिन जो कन्याकुमारी में जो बात उनके मन में आई और जो उन्होंने कहा कि इस देश की दो समस्याएं हैं, एक है निर्धनता और एक है अशिक्षा, और निर्धनता भी अशिक्षा के कारण है, इसलिए शिक्षा दी जानी चाहिए. उसके बहुत उदाहरण हैं कि जहां उन्होंने गायकवाड़ को ये कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाओ, ये नहीं कहा कि शिक्षा के लिए कोई मठ बनाओ या कुछ करो. उसी तरह से राजा अजीत सिंह को कहा, उनके महल की छत पर फिजिक्स की लेबॉरेटरी बना दी, बोले कि पढ़ो और पढ़ाओ, प्राचीन ज्ञान को छोड़ना नहीं है और नए ज्ञान को उसके साथ जोड़ना है. जिन जातियों को पढ़ाया नहीं जाता उनको पढ़ाओ, कन्याओं को विशेष रूप से पढ़ाओ. तो शिक्षा मंत्री का काम कर रहे थे वो उस तरह से, और उस शिक्षा के माध्यम से उनका कहना था कि ये देश आगे बढ़ेगा. लेकिन शिक्षा वो नहीं जो जिससे केवल पैसा कमाया जाता है, उस शिक्षा की बात नहीं कर रहे, शिक्षा मतलब सचमुच शिक्षित होना. तो उस रूप में जो बात उनको जो समस्या हमारी समझ आई, ये भी उनकी समझ में आई जब शिकागो जाने की बात तय हो गई. आपको मालूम है कि वहाँ से पैसे भी आए, सब कुछ हुआ, उनके शिष्यों ने कहा कि अब आप जा सकते हैं, बोले पैसा लौटा दो, मैं इस पैसे से नहीं जाऊंगा, इस देश के जितने धनी लोग हैं उनको इस देश से प्रेम नहीं है, मैं केवल धर्म के पैसे से जाऊंगा, अजीत सिंह का पैसा जो है वो धर्म का पैसा है, उससे जा सकता हूं. इसलिए वो पैसे लौटाए गए और दोबारा वो सारी व्यवस्था की गई और तब वो शिकागो के लिए तैयार हो. इस पर हम कोहली साहब बात करेंगे कि किस तरह से शिकागो यात्रा में किस किन चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े. आइए हम एक बार फिर देख लेते हैं, करण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दार्शनिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, धर्मज्ञ भी हम कह सकते हैं उनको, वो क्या कहते हैं. पहली बार पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स शिकागो में बुलाई गई थी, उसमें 5-6 हज़ार व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति सारे विश्व से वहाँ इकट्ठे हुए थे. उससे पहले अमेरिका में कम से कम सनातन धर्म के बारे में, वेदांत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी. तो ये इत्तेफाक से पहुंच गए, ये डेलीगेट भी नहीं थे स्वामी जी, ये तो ऐसी ही कुछ भगवत कृपा हुई कहिए कि ऐसे कारण बने कि वहाँ पहुंच गए और अपना सन्यासी का वो पहने हुए. तो एक तो सब देख के उनको लोग चकित हो गए, बड़े सुंदर थे वो, तो देख के लोग बड़े प्रभावित हुए. फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया परफेक्ट इंग्लिश में, बहुत अच्छी अंग्रेजी, बंगाली इंग्लिश बोलते थे लेकिन बड़ी अच्छी बोलते थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका उन्होंने शुरू किया, तो सारे जो थे वो स्तब्ध हो गए. उनको कभी इस बात का आभास नहीं था कि भारतवर्ष से इस प्रकार के है योगी हैं और इस प्रकार की जो उन्होंने विचारधारा प्रकट की. तो उनकी विचारधारा और उनके व्यक्तित्व और वो समय, वो तीनों का जो संगम हो गया उसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हो गए. अमरीकावासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते हुए मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से, धर्मों की माता की ओर से, और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से. मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने संसार को सहिष्णुता के साथ सार्वभौम स्वीकृति की शिक्षा दी. हम लोग केवल सहिष्णु ही नहीं अपितु सब धर्मों को सत्य मानकर स्वीकार करते हैं.
मुझे गर्व है कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों व देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मैं आपके सामने उस श्लोक का अर्थ उद्धृत करता हूं जिसे मैं बचपन से दोहराते आया हूं एवं जिसे करोड़ों हिंदू प्रतिदिन दोहराते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, विभिन्न पथ जिन पर लोग अपनी रुचि अनुसार चलते हैं, टेढ़े मेढ़े हो अथवा सीधे, सभी आप में ही आकर मिलते हैं। वेदांत की अत्युच्च आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार, जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, मूर्ति पूजा के निम्न स्तरीय विचारों एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं तक, और बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों की नास्तिकता, इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष ये सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा, तो उस पर मैं पूरे हृदय से दया करता हूं और उसे स्पष्ट रूप से कह देता हूं, शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा, सहायता करो वैर नहीं, प्रभाव ग्रहण ना कि प्रभाव विना, समन्वय और शांति मतभेद नहीं। पश्चिम में आध्यात्मिक विचारों को फैलाकर एवं वहां वेदांत की नींव रखकर स्वामी जी 1897 में भारत लौट आए। पूरे राष्ट्र ने पलकें बिछाकर उनका स्वागत किया और वे जहां भी गए उनकी एक झलक पाने के लिए लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। उन्होंने कोलंबो से अल्मोड़ा तक अपने ओजस्वी विचारों द्वारा सोए हुए भारत को पुनः जागृत किया। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने अपने गुरुदेव को समर्पित एक संघ की शुरुआत की, रामकृष्ण मिशन, जिसका सिद्धांत है स्वयं की मुक्ति एवं जगत का कल्याण। फिर अपनी बातचीत पर चलते हैं और स्वामी शांत आत्मानंद जी की तरफ हम चलते हैं। स्वामी जी, हम उनकी बात कर रहे हैं शिकागो यात्रा की। जैसा कि कोहली साहब भी कह रहे थे कि पैसे इकट्ठा करना, लोग बार बार कह रहे थे जाओ धर्म संसद में जाओ जहां विश्व के सारे धर्मज्ञ इकट्ठा हो रहे हैं, क्या उस समय उनकी मनस्थिति थी, क्या सोच के विवेकानंद जी अमेरिका शिकागो गए उस धर्म संसद में? इट वॉज नॉट जस्ट टू पार्टिसिपेट इन द शिकागो पार्लियामेंट, बिहाइंड देयर अनदर आइडिया दैट यहाँ ये देश में इतनी काम करना है, इसके लिए धन इकट्ठा कर लूँ। आई विल रियली गिव द स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ इंडिया टू द वेस्ट एंड वहाँ से मैं धन इकट्ठा करके आई विल कम बैक एंड वर्क फॉर द रीजनरेशन ऑफ इंडिया। इसी कारण से दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम व्हेन ही वेंट टू शिकागो। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। अभी समय है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और विवेकानंद जी से जुड़े कई जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, अनछुए पहलू हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी समय है विराम का। विराम पर जाने के पहले विवेकानंद जी के कुछ प्रेरणादायी बात। वेद कहते हैं उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उठो, लंबी निशा का अंत हो रहा है, भोर हो चुकी है, तरंग उठ चुकी है और किसी में इसे रोक पाने का साहस नहीं है। साहस मेरे बच्चों साहस, प्रेम मेरे बच्चों प्रेम, श्रद्धा विश्वास और निर्भयता। भय ही सबसे बड़ा पाप है। खामोश सा अफसाना सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल।
विराम के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अवेकनिंग इंडिया में विवेकानंद जी, एक योद्धा सन्यासी जिन्होंने रूपांतरण किया न सिर्फ अपना बल्कि भारत का, और भारत के साथ पूरे विश्व को वेदांता दर्शन बताया, वेदांत का दर्शन बताया, मानवता का दर्शन बताया। उन पर हम बात कर रहे हैं आज के अपने हमारे दूसरे एपिसोड में। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे युवा दोस्त मौजूद हैं, जिनसे हम आग्रह करेंगे कि वो मेहमानों से अगर कुछ पूछना चाहते हैं, वो हमारे इन मेहमानों से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं आप जी? मेरा क्वेश्चन नरेंद्र जी से है जी। सर, हमारे देश में इतने धर्म स्वामी हैं लेकिन विवेकानंद जी जैसे कोई क्यों नहीं है? ये तो है कि वो विवेकानंद जैसे नहीं हैं, क्यों नहीं हैं वाली बात बड़ी जटिल है कि नहीं है कोई वैसा, यही हम जानते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस स्तर पर वो पहुंचते नहीं, उतनी तपस्या नहीं, उतनी साधना नहीं। जैसे विवेकानंद के विषय में हमने कहा कि वो, जो बात मेरी बीच में रह गई थी कि मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ, उनका ये कहना था कि यदि ईश्वर है तो वो देखा जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। और उन्होंने जाकर के ठाकुर से भी, अपने गुरु से पहले यही पूछा था कि आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा देखा है और तुमको भी दिखाऊंगा। इस सत्य निष्ठा के साथ, इतने विश्वास के साथ, उतने त्याग के साथ, अगर बाकी जो आज सन्यासी हैं वो भी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी विवेकानंद हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। विवेकानंद ये कहते हैं कि हर व्यक्ति वहाँ तक पहुँचेगा, पूर्णता तक पहुँचेगा। अब कितना समय लगेगा और कैसे होगा ये आप पर निर्भर करता है, कितने जन्म आप लेंगे, लेकिन अंततः सब लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, विवेकानंद ने खुद कहा एक दूसरी विवेकानंद रहे तो वो पहचान सकता है मैं क्या किया। सो इट्स नॉट सो ईजी, आपके सामने विवेकानंद खड़ा हो जाए, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। आपके अंदर क्या वो क्वालिटी है? आप कैसे कह रहे हैं कोई नहीं है? देर आर ग्रेट सोल्स, लेकिन टू नो देम आपका उतना तक अपने के तैयार करना चाहिए। इवन इफ अ ग्रेट सोल कम्स बिफोर यू, आपको कैसे पता चलेगा? बट इट इज ट्रू, विवेकानंद डोंट कम जस्ट लाइक दैट, दे कम वन इन अ मिलेनियम। बट उसके आसपास भी हो, थोड़ा कम भी हो, इवन देन वी विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज योर क्वालिटी। बचपन में कैसे विवेकानंद थे, युवा में कैसे थे, आर यू एनीवेयर नियर दैट, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? कैसे बता रहे हैं तुम कोई नहीं है? सो वी आर नॉट क्वालिफाइड इवन टू जज और से। स्वामी जी, एक जिज्ञासा जो मन में आती है, जो इनके प्रश्न से जुड़ी हुई है, कि बहुत सारे सन्यासी आज भी हैं, विवेकानंद जी को पहचानने के लिए आप कह रहे हैं कि एक खुद के पास भी एक शक्ति होनी चाहिए, लेकिन विवेकानंद जी की जो यात्रा थी हमने देखी कि वो बहुत बहुत साधारण से असाधारण हुए, लेकिन लोगों के सामने उन्होंने खुद को, पहले भारत को समझा, आज इतने सारे सन्यासी हैं, वो जिजीविषा, वो विल अंदर की हमें शायद उस तरह से नजर नहीं आती कि पूरे देश के भ्रमण पर कोई निकल पड़े सारी सुविधाओं को छोड़कर। क्या क्या लगता है आपको कि क्या क्या कठिनाई नजर आती है? क्योंकि आज भी भारत में देखो लाखों लोग सन्यासी है, बट देन आउट ऑफ दैट ए सन्यासी ऑफ दैट क्वालिटी ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं होगा। लेकिन ये भी बहुत गलत है बताना ऐसा कोई नहीं है। बट यू नो इट्स एग्जैक्टली कैसे है, क्या है, इफ़ यू गो एंड आपके सन्यासी संप्रदाय का अंदर, मान लीजिए आप रामकृष्ण मिशन में अभी 1,500 सन्यासी है, बट डू यू रियली मिक्स विद देम? स्वामी जी से मैं असहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ठीक है कि भी पहचानने के लिए भी क्षमता चाहिए, लेकिन प्रकट जो कुछ सामने आता है, जिन सन्यासियों की बात आप कह रहे हैं, जो केवल दुकानदारी कर रहे हैं, जो सामने केवल व्यापार कर रहे हैं, पैसे के पीछे जाएं, वो भी हमको दिखाई पड़ता है। विवेक, रामकृष्ण परमहंस के 12 शिष्यों में विवेकानंद जैसा दूसरा नहीं था, ये बात उन लोगों ने स्वयं स्वीकार की। हम ये नहीं कह रहे कि मिशन में नहीं है, बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। लोग ये कहते हैं हिमालय पर अभी भी उस बुद्ध की कोटि के लोग हैं, पर हमारे पहचान में तो वो तभी आएंगे जब वो हमारे बीच में काम करेंगे। विवेकानंद हमारे बीच में बहुत काम बहुत बहुत मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि वो जब हमारे सामने आएंगे। आप अपना सवाल करें। उनके अच्छे, काफी अच्छे सिद्धांत थे उनके, बट उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया? नरेंद्र दत्त था उनका नाम। नहीं, ये तो ये देश का प्रथा है, आप संन्यास सब लेंगे। संन्यास के पूर्ण अर्थ है यू आर डेड टू ऑल योर पास्ट, पिछले जितना था आपका अतीत पूरा खत्म करना, तब आपका संन्यास जीवन शुरू होगा। इसीलिए आप पूर्ण पूर्वाश्रम के बाद पूर्व में क्या क्या किया, किसी के साथ कोई संपर्क नहीं रख सकते आप। इसीलिए व्हेन यू बिकम सन्यासी, आप दूसरा कुछ नाम लें,
इसी से आपका पुराना परिचय नहीं रहेगा. सो नो वन विल रिकॉग्नाइज यू बाय योर पास्ट नेम और एनीथिंग. दैट्स द आइडिया. संन्यास मीन्स यू आर कंप्लीटली डेड टू द पास्ट, टू योर ऑल योर वॉट एवर यू हैव डन इन द पास्ट, और अतीत सब पूरा खत्म करना. सो दैट इज व्हाई दे टेक अ न्यू नेम. से यू कैन नॉट, ऑफकोर्स बाद में पता भी चलता है ऐसे एक व्यक्ति है उसको जीवन से सब पढ़ लेंगे, पता कर लेंगे. बट द आइडिया इज टू बिकम इनकॉग्निटो, नोबडी रिकॉग्नाइज यू. विवेकानंद जिस समय अमेरिका में काम कर रहे थे उनके अपने गुरु भाइयों को नहीं मालूम था कि ये हमारा नरेंद्र है, क्योंकि वो नाम यहाँ एक नाम नहीं बदला, उन्होंने कई नाम बदले थे, ये अंतिम नाम था. आप जल्दी सवाल कर लें, वक्त कम है हमारे पास. नरेंद्र सर, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी. स्वामी विवेकानंद जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार के सारे मोह माया को त्याग दिया था, तो आज की युवा पीढ़ी, ऐसे में संन्यास का क्या अर्थ है आज की युवा पीढ़ी के लिए? संन्यास का अर्थ तो आज भी वही है जो तब था. तो कुल मिला करके ये है, अंततः जब आप जाते हैं आत्म साक्षात्कार, और वह भी जो विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस परंपरा में है विशेष रूप से, वो है सेवा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार, अपने उसको प्राप्त करना, अपने को जानना. रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं विवेकानंद से ये कहा था कि हर जीव को, ये उनका वाक्य है, हर जीव को शिव मानकर उसकी सेवा कर और उसके प्रति कृतज्ञ हो कि उसने तुझे सेवा का अवसर दिया. ये जो सेवा का एक सिद्धांत है कि सेवा कर और उसने तुझे अवसर दिया इसलिए तू कृतज्ञ हो, ये मत समझ के मैंने सेवा की. इस सेवा के माध्यम से क्रमशः आत्म साक्षात्कार, मतलब अपना विकास करना, आत्मिक विकास करना, ऊपर बढ़ना, संसार का मोह माया या जो कुछ भी आप उसको कहना चाहें उसको त्याग करके सात्विक जीवन में ऊपर चले जाना, ये संन्यास का धर्म तब भी था, आज भी है, आज के युवा के लिए भी कुछ बदल नहीं गया है. इन संन्यास ये बाहर का रूप एक संन्यास तो है, लेकिन मन से आप बचपन से आप स्वामी जी से प्रेरित हो तो, इफ यू आर रियली इंस्पायर्ड बाय स्वामी जी, उन्होंने जीवन से ऐसे ऐसे शिक्षा प्राप्त करो, देन यू विल बिकम अ बेटर एंड बेटर पर्सन. आप ऐसे एक जगह में पहुंच जाओगे देन यू विल फील दैट यू आर एक्स्ट्रॉर्डनरी. सी बाहर से संन्यास लो पे नहीं लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ फाइनल मे बी अ काइंड ऑफ अ चेंज ऑफ ड्रेस और सिचुएशन. बट इन यूर फ्रॉम योर यंग एज इफ यू डेवलप सच एन आइडियल सच ए लाइफ, इट इज फुल ऑफ दैट काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंस ऑफ सैक्रीफाइस. जितना संभव है त्याग, आप जो स्थिति में है वहां से भी त्याग संभव है. सो बेसिकली एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ त्याग, त्याग स्वीकार करो, देन यू विल फाइंड दैट यू आर बिकमिंग अ बेटर एंड बेटर पर्सन. जब शिकागो से वो लौटे क्या संदेश था उनका? वहाँ की प्रगति भी उन्होंने देखी, यूरोप का एक नया संसार भी उन्होंने देखा, किस तरह से भारत के प्रति संक्षेप में क्या संदेश था? एक बात तो मैं पहले कह चुका कि प्राचीन ज्ञान को छोड़ना नहीं है और नए ज्ञान को उसके साथ जोड़ना है जी. तो प्राचीन ज्ञान तो हमारा था, नवीन वहाँ से जो कुछ लेना था. उन्होंने जो वहाँ पर कहा कि धर्म, वहाँ से पादरी आते थे यहाँ सिखाने के लिए धर्म, उन्होंने कहा धर्म हमारे पास बहुत है, वो हम देंगे तुमको, तुम हमको क्या दोगे? उसमें जो चीज़ें उन्होंने वहाँ कही वो थी टेक्नोलॉजी, वो थी मैनेजमेंट, वो थी व्यवस्था. उस तक बल्कि हम चार भारतीय इकट्ठे मिलकर नहीं चलते, आपस में लड़ते हैं. तो संगठन हमको चाहिए, उस संगठन के लिए ही शायद उनको रामकृष्ण मिशन की आवश्यकता पड़ी. ज्ञान प्राचीन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, नवीन भी. जो एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आधुनिक वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री के लिए जो बाहर के विज्ञान की बात करता है, उन्होंने कहा कि सारे ऋषि हमारे वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे, अध्यात्म की खोज, भीतर की खोज थी, वो भी वैज्ञानिक थे, ये भी वैज्ञानिक हैं, इसलिए ज्ञान हर तरह से जोड़ के समग्र. बहुत इंपॉर्टेंट बात. स्वामी जी इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? शिकागो में यू वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो विश्व नेता ऐसा एक प्लेटफॉर्म में अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ हारमोनी. ए सर्व सब धर्म का अंदर द आइडिया ऑफ हारमोनी द ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रोक्लेम बिफोर द वर्ल्ड. सो इट वॉज समथिंग बिल्कुल नया था एंड इट वॉज समथिंग टोटली स्टनिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड. ही क्लियरली सेड दैट हाउ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ऑल दोज रिलीजन कैसे सब एक साथ अच्छे रह सकते हैं. ही गेव अ न्यू मैसेज, ए न्यू आइडिया
ऑफ लिविंग इन हार्मनी एंड पीस, सब धर्म के अंदर है के भी। विवेकानंद जी से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिन पर, जैसे हम कह सकते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसकी तरह लगातार बात की जा सकती है, लेकिन अब वक्त की भी अपनी सीमा है। लेकिन आने वाली कड़ियों में हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे। हमारे दोनों मेहमान जो स्टूडियो में रहे, हमारे युवा दोस्त, इन सभी का हम बहुत आत्मीयता से धन्यवाद करते हैं। आप अपने विचार, अपने सुझाव हमको भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है awakeningindia.dd@gmail.com। इस पर आप अपने विचार, अपने सुझाव हमको भेज सकते हैं। आने वाली कड़ियों में हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्वामी विवेकानंद से जुड़े जो उनके चरित्र, कृतित्व, व्यक्तित्व के पहलू हैं, उन पर हम बात करेंगे। अभी हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार। याद रखो मेरे बच्चों कि केवल कायर और दुर्बल ही अपराध करते हैं और झूठ बोलते हैं। नैतिक होने की कोशिश करो, वीर होने का प्रयास करो, करुणामय होने की चेष्टा करो।